तो इसलिए ये वार और ये टीआरपी और ये फिर अपना वोट बैंक ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग तो बस स्पष्ट कहें कि मजदूरों के हितार्थ के लिए हम लोग अच्छी राजनीति नहीं करेंगे। जो लोग सरकार में बैठे हैं, विधायक सांसद हैं, वही लोग नेतृत्व करें, हम उनके साथ खड़े होंगे, हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन सकुशल उनके वतन वापसी का रास्ता तैयार हो, हम लोग यही चाहते हैं। इंटरनल इशू है और इसमें जो डीसी महोदय हैं, मैडम हैं, वो कहीं ना कहीं केंद्र और जनता के बीच की कड़ी होती है, समन्वयक होते हैं, तो इनके माध्यम से हम लोग समन्वय स्थापित करते हैं। हम चाहेंगे कि जो हमारे विषय हैं उस पर संज्ञान लेते हुए गंभीरतापूर्वक ये अपनी पहल करते हुए ये मामला जो वहाँ का हमारा दूतावास है वहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले ये तो आपका जो मिनिस्ट्री है वहाँ तक पहुँचे कि उनके माध्यम से एमएससी तक जाएगी, फिर वहाँ के माध्यम से उनको जो मुहैया है या फिर जो उनको वतन वापसी का रास्ता उसे तैयार किया जाएगा। वीडियो जारी हुई थी, बहुत दर्दनाक वीडियो थी, सरकार से उन्होंने गुहार लगाई, कितनी दर्दनाक स्थिति अभी फिलहाल की है उनको? हाँ बिल्कुल, मैंने चूँकि हम जो बात कर रहे हैं ये थ्योरी में बात कर रहे हैं, जब उनके उनकी उनसे बात करेंगे तो प्रैक्टिकली होगा, और जब अगर प्रैक्टिकली कोई भी सुनेगा तो उसकी आंखों में आंसू होगा। बताइए वो लोग बाथरूम का पानी जो शौचालय के लिए जो पानी आता है उसको पी रहे हैं, वे लोग एक रुपए में एक रोटी खरीद के लाते हैं, उसको दो लोग बांट के खाते हैं, मान के चलिए क्या विकट परिस्थिति होगी, ये तो हम लोग घर में बैठकर सिर्फ अनुमान कर सकते हैं। और मैंने चूँकि वीडियो कॉल में हम लोग बात की है, शायद एक छोटा सा कमरा है 20x20 का होगा, उसमें 45 लोग जीवन यापन कर रहे हैं, आज महीनों भर से एक बंधक के रूप में है। तो सुने में आया भारतीय एजेंसी की तरफ से 3 दिनों का राशन पानी था वो भी खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, और हम लोग प्रयास किए हैं, हमारे दुबई के कुछ मित्र हैं और जो आज 2 साल के बाद हम लोग जो आंदोलन के माध्यम से उनसे संपर्क हुआ है, वे लोग कुछ सहयोग के लिए वहाँ तक गए हैं। उम्मीद करते हैं कि एक पॉजिटिव रिजल्ट आए, और हालांकि मैं मानता हूँ कि आज मीडिया का बहुत ताकत है, मीडिया में जब से ये बातें आई हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अलर्ट भी हुए हैं, और मुझे लगता है कि आप लोग इस मुद्दे को अगर गंभीरतापूर्वक अपने प्लेटफॉर्म में स्थान देते हैं कंटिन्यूली तो एक बेहतर रिजल्ट होगा। नए साल की जब नई किरण खिलेगी तो वे जो वतन वापसी की राह देख रहे हैं मजदूर, 45 के मजदूर अपने वतन में होंगे और वे लोग भी अपने परिवार के साथ नए साल के उमंग में शामिल होंगे। आज तभी सुनी जाएगी जब इनको उनके इसको एक आंदोलन का रूप दिया जाएगा, जब उनकी आलोचनाएं होंगी, और ये आवाज़ तभी सुनी जाएगी जब पत्रकारिता मीडिया हाउस में बैठे लोग उनसे प्रश्न करेंगे, और प्रश्न मेरा भी मानना है प्रश्न उन प्रतिनिधियों से होना चाहिए जो जिम्मेवारी के साथ चुनकर गए हैं। जब उनसे तीखे प्रश्न होंगे, जब उनकी जिम्मेवारियों पर प्रश्न खड़ा होगा, जब उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगेगा तो निश्चय इस पर पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव आएंगे, और एक आंदोलन भी रास्ता है। चूँकि हम लोग जब आंदोलन की रास्ता तैयार करेंगे, जब आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे तो जाहिर सी बात है उनमें एक भय होगा। तो कुल मिलाकर आंदोलन, मीडिया का सवाल और इन चीज़ों को जब लगातार प्रेस के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब ये उठती रहेंगी तो निश्चय ही एक रास्ता खुलेगा और वे बाध्य होकर उस रास्ते को स्वयं तैयार करेंगे। इसमें बहुत सारी कड़ियां जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ सरकार के ऊपर दोषारोपण आप नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसमें ये भी है कि भाई आप जब सऊदी अरब गए तो जिम्मेदारी आपकी थी, ये भी इसमें ये सवाल आ जाएगा कि रोजगार नहीं था इसलिए गए, तो ये सारा जो मुद्दा है, क्योंकि आप प्रवासी मजदूरों को लेकर काम भी कर रहे थे, मुंबई भी जा रहे थे, दिल्ली भी जा रहे थे, सबसे बड़ी समस्या क्या देख रहे थे और क्या बातें हो रही थी? देखिए जब एक पिता और पुत्र के बीच लड़ाई होती है तो स्वाभाविक है कि उसमें पिता की भी कुछ दोष त्रुटियां होती हैं, पुत्र की भी कुछ त्रुटियां होती हैं, लेकिन उनमें से दोनों अगर कोई एक संकट की स्थिति में उत्पन्न होगा तो उस समय हम लोग दोष और त्रुटियों को नहीं गिनते हैं, हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि हमें अगर पुत्र संकट में है तो पिता अपनी त्रुटियों को भूलकर अपनी मेरी गलतियों को क्षमा करके मेरा सहयोग करेंगे, और अगर पिता संकट में है तो चाहेगा कि पुत्र उन गलतियों को भुलाकर, उन त्रुटियों को भुलाकर मेरा सहयोग करेगा। तो इस समय ना मजदूरों की त्रुटियों पर चर्चा करने का विषय है, ना सरकार की नाकामियों को गिनाने का विषय है, यहाँ विषय है कि वह 45 जीवन मुझे लगता है काफ़ी संकट स्थिति में है, क्योंकि उनके पास ना भोजन का साधन है, ना पीने की स्वच्छ पानी का साधन है, यहाँ तक कि मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है। सूचना मिली है, सूचना नहीं, मैंने वीडियो कॉल में स्वयं उनसे बात किया है, वे लोग टॉयलेट का पानी यूज करते हैं पीने के लिए, जो कि खेद है, अमानवीय है। और सबसे खास बात कि 3 मजदूर बीमार थे और 2 दिन बाद जब पुनः उनसे बात हुई तो उनकी संख्या 7 हो गई, और उनको 1 तारीख तक उस मकान में जहाँ रह रहे हैं, जो 20x20 का मकान है जहाँ 45 लोग रहते हैं, हमारे लिए तो एक व्यक्ति के लिए उतना बड़ा मकान होता है, 45 लोग एक ही मकान में रहते हैं, उसे खाली करने का भी नोटिस जारी कर दिया गया है। तो यहाँ त्रुटियों को गिनाने का वक्त नहीं है, चूंकि विषय इंटरनेशनल है, और तो राज्य सरकार की जो विभाग है, जो हमारी वहाँ दूतावास है, हमारे जो राजदूत हैं, उन पर उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें यथाशीघ्र वतन वापसी का प्रयास करना ही चाहिए। तो ये 4 कॉल हो चुके हैं, उनके 4 वीडियो कॉल हो गए, लेकिन कोई लगता है कि कोई उस पर कोई त्वरित कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है, वापस लाया। ये बिल्कुल, वहाँ अगर किसी नेता, किसी विधायक, किसी सांसद का पुत्र होता तो कार्रवाई त्वरित भी होती और नए
नियम भी बन जाते हैं, नए बिल भी विधेयक भी बन जाते हैं, लेकिन चूंकि वे लोग शोषित वंचित लोग हैं जो मजदूरी की तलाश में दो जून की रोटी की तलाश में एक अच्छे मंजिल को पाने के ख्वाब लेकर वहाँ तक गए हैं, इसीलिए अभी तक कार्रवाई नहीं। शायद ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि उन 4500 में से कुछ मजदूर ऐसे हैं जो शायद उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए तब ये कार्रवाई करेंगे। ये लोग इंतजार में बैठे हैं, अभी वे जीवित हैं और हम चाहते हैं 45 के 45 जीवित भारत वापसी करें, लेकिन ये हुक्मरान कहीं इस ख्वाब में तो नहीं है कि वे कुछ अनहोनी की आशंका लगाकर तो नहीं बैठे कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटे। कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें वतन वापसी का रास्ता सरकार को तैयार करना चाहिए। इसमें एक बात और है कि इसमें लोग देखते हैं कि भैया कौन जिला का है, उसी हिसाब से लोग बात करते हैं। पता चला कि हजारीबाग के हैं, गिरिडीह के हैं, बोकारो के हैं, झारखंड की ये समस्या है। हर एक व्यक्ति को बात करनी चाहिए, हर एक प्रतिनिधि को बात करनी चाहिए। बिल्कुल हर एक, क्योंकि झारखंड के ही है वो, सारे लोग झारखंड के ही, और सबसे बड़ी बात है भारत के हैं वो। इसमें झारखंड के लोग भी तो मुख दर्शक बने हुए हैं कि भाई बोकारो वाले बोलेंगे तो वो धनबाद वाले नहीं बोलेंगे, धनबाद वाले बोलेंगे तो पलामू वाले नहीं बोलेंगे। ये देखिए इस पर वो उदाहरण होता है जब हम पोल्ट्री मुर्गा खरीदने के लिए जाते हैं तो जिस मुर्गे की बलि दी जाती है वही आवाज़ करता है, बाकी लोग कोने में दुबक जाते हैं, उन्हें ये पता भी नहीं होता है कि अगले दिन उनका भी नंबर आएगा। तो वही हाल हम मानव का है, हम लोग अपनी रोजमर्रा के जीवन में और इस आधुनिक जीवन में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हम लोग अपनी संवेदना को खो चुके हैं, अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं। मेरा मानना है पूरे राज्य का विषय है, पूरे राज्य के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें प्रवास की पीड़ा पर हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए, सदन पर बात रखनी चाहिए, वैकल्पिक मार्ग तैयार करने चाहिए, और फिलहाल जो मजदूर हमारे विदेश में रहते हैं या अन्य प्रदेशों में रहते हैं उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना घटे। लगातार ऐसी घटनाएँ आती हैं महाराष्ट्र गुजरात से, हमारे मजदूर या तो उनके साथ अप्रिय घटनाएँ घटती है, उन्हें मार दिया जाता है, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। तो इसके लिए हमारी सरकार को बेहतर काम करना चाहिए, अगर इंटरनेशनल मामला हो तो केंद्र की सरकार को काम करना चाहिए, और अगर अन्य प्रदेशों का मामला है तो राज्य सरकार को बेहतर काम करना चाहिए और मजदूरों के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। कैसे वो वापस आएंगे, इसको लेकर क्या करना चाहिए अभी फिलहाल? देखिए इसके लिए फिलहाल जो हम लोगों ने डीसी मैडम को और वहाँ डीसी महोदय को ज्ञापन दिया है, तीनों जिला में हम लोग देंगे, और ये इनके माध्यम से ईमेल हो या फैक्स के माध्यम से ये केंद्र तक जाएगा, और केंद्र के माध्यम से ये हमारे जो सऊदी के रियाद में जो हमारी दूतावास होगा वहाँ तक संदेश जाएगा, और दूतावास जब उन मजदूरों को अपने अधीन करेगा यानी अपने कंट्रोल में करेगा तो स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी। एक बात और है, बड़े पीड़ा के साथ ये कहना पड़ रहा है, ये देखा गया कि जब वॉर सिचुएशन होता है तो वहाँ से निकाल कर लेकर आया जाता है तो एक खबर बन जाती है, तो ये खबर नहीं बन पाएगी इसलिए नहीं आ रहा? हाँ बिल्कुल, मेरा मानना है कि ज़िंदगी ज़िंदगी होती है, चाहे आप वार से निकाल के आएँ या फिर अकाल से निकाल के लाएँ या फिर किसी मजदूर को जब कोई प्रताड़ित कर रहा है वहाँ से निकाल के आएँ, जीवन जीवन होता है और मानव का जीवन अनमोल होता है। तो ये वार का सिचुएशन भले ना है लेकिन जीवन तो जीवन है, अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, आप संज्ञान में नहीं लेते हैं तो उनका भी जीवन अस्त हो सकता है। संभावनाएँ हैं, मान के चलिए उनको मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जो लोग बीमार हैं, एक मानवीय शरीर हार्डली 30 से 45 दिन तक बिना भोजन किए बिना स्वास्थ्य लाभ लिए सह सकता है, लेकिन उसके बाद तो स्थितियाँ बिगड़ेंगी और बिगड़ेंगी, और मुझे लगता है उस समय अप्रिय घटना घट सकती है। तो इसलिए ये वार और ये TRP और ये फिर अपना वोट बैंक ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग तो बस स्पष्ट कहें कि मजदूरों के हितार्थ के लिए हम लोग अच्छी राजनीति नहीं करेंगे, जो लोग सरकार में बैठे हैं विधायक सांसद हैं वही लोग नेतृत्व करें, हम उनके साथ खड़े होंगे, हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन सकुशल उनके वतन वापसी का रास्ता तैयार हो हम लोग यही चाहते हैं। आगे आप क्या सोचे हैं, मतलब अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती या फिर नहीं आते? नहीं होगा तो फिर हम लोग जिला स्तर में प्रदर्शन करेंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप मुंबई भी जा रहे थे तो जो प्रवासी मजदूरों से मिल रहे थे, सबसे बड़ी पीड़ा क्या थी, वो झारखंड आना चाहते हैं, किस तरीके का वो मतलब सवाल जवाब या संवाद हो रहा था? हाँ जी देखिए, वो झारखंड आना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि झारखंड में ही उनके स्किल के अनुसार काम मिले, जैसे जो लोग ड्राइवर हैं तो उनका मानना है कि सरकार गवर्नमेंट के माध्यम से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करे, और ऐसे भी आप देखें हजारीबाग में हमको लगता है हजारों जो सरकारी बस हैं वो तो कूड़े में चले गए, धनबाद में भी हजारों सरकारी बस कूड़े में चले गए, तो ऐसा नहीं है, मैक्सिमम वहाँ जो लोग मिले वो ट्रांसपोर्ट में हैं, माइंस में है, जो पत्थर खदान है, तो हमारे पास भी तो कोयला खनन है, अभ्रक का खनन हो रहा है, बहुत तरह के जो तत्व हैं उनका खनन किया जाता है, तो जो लोग उनका स्किल है उनके आधार पर वे काम मांग रहे हैं। वे नहीं कह रहे हैं कि अगर हम लोगों को अगर ड्राइविंग का हैंडल संभालने आता है तो हमें इंजीनियर बना दीजिए या फिर डॉक्टर की सुई थमा दीजिए, अपने स्किल के अनुसार काम मांग रहे, और हमारे राज्य में उनके स्किल के अनुसार काम है, बस राज्य सरकार की नीयत और नीति स्पष्ट होनी चाहिए। कैसी आपकी नीति और राजनीति कैसे चल रही है, चुनाव भी नजदीक आ रहा है? देखिए फिलहाल हम लोग तो बेहतर पा रहे हैं अपने आप को, और ये तो आप लोग बताएंगे, ये मीडिया हाउस का काम है कि हम लोग कहाँ हैं, हमारा क्या परसेंटेज है, हमारी क्या स्थिति रहेगी, ये आप लोग बताइएगा तो बेहतर होगा। जुड़े लोग या टूटे? नहीं जुड़ रहे हैं लोग, जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, टूटेंगे वही जो अपनी निजी महत्वाकांक्षा रखते हैं, जो राज्य का हितार्थ रखते हैं वे नहीं टूटेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है जोड़ने में? सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है कि थोड़ा सा जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा
होती है, बाकी सब ठीक ठाक है। जो राज्य का हितार चाहते हैं वो हर हाल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टी कहीं ना कहीं अभी जो चुनाव हुए हैं, तीन राज्यों के जो चुनाव आए थे, हिंदी राज्यों के, राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक और छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर आपने देखा कि भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है, किस तरीके से देख रहे हैं भाजपा को? हाँ देखिए, बाकी उत्तर भारत की अगर बात करें तो निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी ने जिस विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास किया है, उत्तर भारत उसी विचारधारा की हवाओं में बहती है। लेकिन जब हम झारखंड आते हैं तो थोड़ा झारखंड की विचारधारा भिन्नता रखती है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ के लोगों का जीवन रहन सहन थोड़ा सा बाकी राज्यों से भिन्न है। अतः जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा उत्तर भारत में है, उससे कहीं ना कहीं झारखंड अपने आप को भिन्न पाएगा और हम लोग अपनी विचारधारा के साथ, अपने नए आइडियाज़ के साथ, अपने नए मुद्दों के साथ सफल होंगे उनको, उनकी विचारधारा को बाकी जो हमारा बॉर्डर है उस तक सीमित रखने के लिए। विकल्प के लिए कोई जगह रखा है क्या? देखिए फिलहाल तो विकल्प पर चर्चा नहीं है, जब होगी तो सबसे पहले आपके ही सामने आएंगे। दो साल बीत गए हैं इसमें और जन्मदिन आप आज मना रहे हैं, चीज़ें भी बदली हैं, अब लोग आपके पास आकर बधाइयां दे रहे हैं, अब जयराम महतो वो जयराम महतो नहीं रह गए, अब जनता के बीच वाले जयराम महतो गए, तो जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। तो इस जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे आपके, खास करके जो समर्थक हैं, जो प्रशंसक हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं, या फिर विरोधी भी जो हैं? देखिए आप जो लोग जनता के हो जाते हैं उनका जन्मदिन जैसा विशेष कुछ होता नहीं है, तो जन्मदिन के अवसर पर भी हम यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई लोग सेलिब्रेशन करे तो सेलिब्रेशन ना होकर किसी का सहयोग हो, जैसे आज हम लोग करने आए हैं, किसी की आवाज़ बनने आए हैं, किसी को हिम्मत देने आए हैं, किसी को सांत्वना देने आए हैं, तो ये काम हो तो हमारे जन्मदिन पर हमें अच्छा लगेगा और वो बेहतर होगा। केक कटेगा इनके लिए? बस छोटा सा एक केक है, गेट के बाहर कटा ही। अच्छा, जो समर्थक है उनसे जरा पूछ लेते हैं जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे उनको? पहले